मुझे इस दोष का भागी मत बनाओ। मेरा निर्णय बिल्कुल अटल है। मैंने अपना पक्ष पूरी सत्यता के साथ आपके समक्ष रखा है कुमार। तो क्या इस श्राप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक इनके जीवन को प्रभावित करेगा? अवश्य करेगा। मैं भी प्रण करता हूँ, यदि मेरे भक्त पर तनिक भी आंच आई, किसी के भी कारण उसे दुखित होना पड़ा, पीड़ित होना पड़ा, मैं उस कारण को ही नष्ट कर दूंगा। मैं सत्य हूं, कच और देवयानी की इस कथा का साक्षी। सतयुग में घटी इस घटना को घटे युग युगांतर बीत गए। इस बीच इन दोनों ने कई जन्म लिए, लेकिन किसी भी जन्म में वो एक दूसरे को दिए अपने शाप से मुक्त नहीं हो पाए। इस कलयुग में भी जब ये दोनों एक बार फिर जन्मे हैं, देवयानी भक्ति के रूप में और कच वीर के रूप में, परंतु इस जन्म में केवल उनके नाम ही नहीं बदले, अपितु उनके विश्वास भी बदल चुके हैं। इस जन्म की देवयानी यानी भक्ति देवाधिदेव महादेव की नहीं, अपितु श्री गणेश की परम भक्त है, और कच यानी कि वीर गणनायक गणेश की बजाय नीलकंठ गंगाधर श्री शिव का अनन्य भक्त है। अब देखना ये है, क्या ये फिर मिलेंगे या पुनः इनके शाप इन्हें मिलने नहीं देंगे। ये जानने के लिए हमें समय को कुछ और समय देना होगा। भक्ति, 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 देवा कुठे गेली रे ही लड़की? भक्ति, भक्ति, कहाँ चली गई ये लड़की? भक्ति, अच्छा तो ये तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। जब बात इसके गन्नू दादा की आती है तो पूरे जग से जैसे नाता ही टूट जाता है। सुध बुध खो बैठती है माजीपुर की। ए भक्ति, कितनी बार कहा है कि ऐसे पीछे से आवाज देखकर डराया ना कर, देखा ना क्या हो गया? देवा रे देवा, गलती तेरी है और डांट मुझे रही है। कब से बुला रही हूँ तुझे? अच्छा लगता है इस उम्र में चिल्ला चिल्ला के बुलाना? वैसे भी ये काम तो मैंने अपर्णा को दे दिया है। वो मैं अपने गन्नू दादा के लिए मोदक बना रही थी ना, इसलिए मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बोला माफ कर दिया अजी। वासंती, वासंती, तेरी आवाज में भी ना तेरी आई जैसी मिठास है। उसकी आवाज भी कानों में रस घोल देती थी,
और तेरी आवाज शहद घोल देती है। आजी तुझे डायबिटीज है, लेकिन जब याद करेगी तो मीठा बात करेगी, वो भी मीठी। चुप, बस बीमारी की बात नहीं करनी। पता है तुझे, तेरी आई होती तो वो क्या। आजी पता है मुझे, इसमें से चार मोदक निकाल के तुझे दे देती, यही ना। तेरी समझ भी बिल्कुल तेरे बाबा जैसी है। पता है मेरे बिना कुछ कहे ही वो मेरी मन की बात समझ लेता था। अगर आज वो होता हाँ, तो वो ये दो मोदक उठा के आपको दे देते। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि आपको डायबिटीज है तो ना आई ना बाबा कोई भी आपको एक भी मोदक नहीं देता, और ना ही मैं दूंगी। वैसे भी ये मोदक मैंने अपने गन्नू दादा के लिए बनाए, इन्हें मैं किसी को नहीं दूंगी। तो तुझे तेरे गन्नू दादा तेरी आजी से भी ज्यादा प्यारे हैं। ऐसा मत बोल आजी। ठीक है नहीं बोलूंगी, अगर तू मुझे एक कप चाय ला देगी। आजी तू सुबह से तीन कप चाय पी चुकी है और फिर से चाय। अरे मोदक भी नहीं चाय भी नहीं, एक कप चाय तो मांग रही हूँ ना। बिल्कुल नहीं, पढ़ना काकू भी गुस्सा करेगी। ला देना एक कप चाय। ठीक है लेकिन आधा कप। मैं तो तुझे समझा नहीं सकती, अगर मेरे आई बाबा होते ना तो तेरी एक नहीं चलने देते। माजी प्यारी पुर्गी। क्या मजाक है आजी, तूने दरवाजा क्यों बंद किया। अरे मैंने क्या किया। अरे खोलूं कैसे। तो ये ताला किसने लगाया आजी। मैंने मारा ये ताला, मैंने। क्यों, क्या किया है इसने। आप अच्छी तरह जानती है मैंने ऐसा क्यों किया, और आज आपकी लाडली पोरगी को अखा दिन इधर ही बंद रहना पड़ेगा। नहीं काकू ऐसा मत कहो, आज गन्नू दादा की पालकी थ्योर जाने वाली है, मैंने उसके लिए सारी तैयारी की है, बस ये मोदक और कपड़े उन तक पहुंचाने दो, फिर तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूंगी, मैं दिन भर यहीं बंद रह लूंगी। अरे ऐसा मत करो, मुझे आज जाने दो। काकू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। काकू चुप, मैंने बोला ना तेरे को कहीं नहीं जाना। हाँ मंजे कहीं नहीं जाएगी, तू चाहे रो या गा ये दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन काकू क्यों फड़फड़ा रही है कबूतरी के माफिक, तू मर जाएगी, तेरी सांस रुक जाएगी तेरे गणू दादा को देखे बगैर, तो जा मर जा। मेरे लिए अच्छा ही होगा, तेरे से पीछा तो छूटेगा। क्यों ऐसा कह रही है, क्या बिगाड़ा है तेरा इसने अपर्णा, क्यों इसके पीछे पड़ी रहती है तू। बिगाड़ा क्या है हाँ? अरे बिगाड़ने को छोड़ा क्या है इसने मेरे लिए, इसके आई बाबा थे तो मेरे छाती पर मूंग दलते रहे, मर गए तो इसको मेरे पीछे छोड़ गए, मेरी और मेरी बेटी की खुशियों को खाने के लिए। काकू तुम चाहे जो भी कह लो, लेकिन मुझे आज जाने दो, उनकी पालकी निकलने ही वाली होगी, मुझे देर हो जाएगी, मैं जल्दी से उनके दर्शन करके वापस आ जाऊंगी, फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। पक्का, चल मैं तेरे को जाने देती हूँ, लेकिन एक शर्त है। Thank you.
छीन ले इसे, अब जा। ये कपड़े तो मैंने गरीब भिखारियों के लिए रखे थे। तो ये कई की महारानी है? पहले इसके आई बाबा हमारे टुकड़ों पर पल रहे थे, अब ये हमारे टुकड़ों पर पल रही है। अरे शुक्र करो, दिल बड़ा है मेरा जो आज तक इसे धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकाला, वरना भीख मांग रही होती किसी शहर में। ये तो क्या कर रही है अपर्णा? चल जाओ उधर। जैसी माँ वैसा बेटा, दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रही हूँ? आरती उतार रही हूँ तुम्हारी भतीजी की। तुम्हारी भक्ति चांद का टुकड़ा है ना, तो चांद पर जो दाग होते हैं ना वही उस पर लगा रही हूँ। हाँ मगर क्यों अपर्णा, तूने भक्ति को ये पुराने कब? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। लाख बार चोट खाने के बाद भी तुमको अक्कल नहीं आई? हाँ लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इस बार ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। आज तक होता आ रहा है। लेकिन क्या होता आया आज तक? अगर स्वाति, ए स्वाति जरा इधर आ। क्या हुआ आई? क्या बात है, तूने अपने गन्नू दादा की पालकी बजाने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। सुन तू ना हमेशा ऐसी रह कर अच्छी लग रही है। मजी सुंदर पोरगी, मुझे बहुत अच्छा लगा तुझे हंसता हुआ देखकर। आज पहली बार ऐसा हुआ जो तेरी वजह से मेरी स्वाति के चेहरे पर हंसी आई है, वरना तेरी वजह से वो रोती ही रहती है, कमीनी कहेगी। पर आई हाँ ये तो बता तूने मुझे बुलाया क्यों? अगर स्वाति देखना तेरे बाबा मेरे से क्या पूछ रहे हैं मालूम है? क्या बिगड़ा है मेरी भक्ति ने, क्या गलती हुई है उससे, ऐसा क्यों कर रही है? अरे इनको बता कि तेरे साथ ऐसा क्या क्या होता है आज तक, बता इनको। बाबा आपको तो मालूम है ना कि पिछले 2 साल से लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, वो आते तो मुझे देखने और पसंद करके जाते हैं इस भक्ति को, और ये भी अपने खूबसूरती के जाल में सबको फंसा लेती है। तो आज जब लड़का मुझे देखने आ रहा है तो मैं और आई दोनों नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। बेटा लेकिन इसमें भक्ति का क्या दोष है? शादी ब्याह तो अपने नसीब की बात होती है। और काका, काकू ठीक ही तो कह रही है, यही तो होता आ रहा है तब से। और अगर मेरे ऐसे कपड़े पहन लेने से स्वाति का कुछ भला होता है तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। ए, चुप कर, ज्यादा नाटक मत कर, मुझे सब मालूम है तेरे दिल में मेरे स्वाति के लिए कितनी भलाई भरी हुई है।
राज मुखो जो दिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को साथ लिए गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कहे न जाए लागत हो भर को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंधस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव कोई शरणागत आवे संगति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अतिभावे होता भी नंदन निश दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव ंगण बंदी नचारण गोया निपाही नुपे आलिंगन आनंद पूजन भावे उणी न मणे नम तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या गर्वं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव काये न वाचा मत्सेवा प्रकृति स्वभाव अरो नियम सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे राम मंगल मूर्ति गणपति बप्पा अब मैं जाऊं अब जा ना मेरा मुंह क्या देख रही है जा बेटा हो सके तो अपनी काकू को माफ कर दे पागल है वो नहीं जानती कि ये किस लिए काय हाँ मैं पागल हूँ पागल तुम हो वो लड़की का बाप और तुम्हारे बड़े भाई के इलाज के लिए तुमने कर्जा उठाया था और वो ठीक होकर कर्जा चुकाए बगैर ही ऊपर चला गया उसकी बीमार माँ के लिए भी तो तुमने कर्जा उठाया था वो भी कर्जा दिए बगैर ही अपनी पतिदेव के पीछे पीछे ऊपर चली गई तब भी तुमको अक्ल नहीं आई हाँ तब से लेकर आज तक वो अनाथ पोर्गी को पालने का खर्चा भी तो उठाए जा रहे हो अब इतना उधार चढ़ चुका है सर पर कि तुम्हारे ये एक एक बाल है ना मार्केट में बेचने जाओगे तो खुद पे जो चढ़ा हुआ कर्जा है ना वो भी उतार नहीं पाओगे और मुझे पागल बोल रहे हो कम से कम मरे हुए लोगों को तो मत कोसो भक्ति के आई और बाबा मेरे भाई और भाभी थे वो राम थे मेरे लिए उन्हें बचाने की कोशिश करना मेरा फर्ज था दुख तो इस बात का है कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाया उन्हें वो राम थे और तुम उनके लक्ष्मण अरे वो तो शुक्र करो जिससे तुमने वो कर्जा लिया है ना वो सारंग वो अभी शहर में नहीं है जब वो लौट आएगा ना तब देखती हूँ इस लक्ष्मण को कौन मदद करता है हाँ अब चलो अंदर लड़का देखने आ रहा है तुम्हारी लड़की को अब चलो कुछ मदद भी तो करो मेरी जब देखो आंसू बहाते रहते मेरी भतीजी वारे ऊपर वाले क्या परिवार लिखा है मेरे नसीब में पति के लिए उसका बड़ा भाई भगवान था भतीजी के लिए उसका भगवान भाई है क्या तमाशा लगा रखा है इन सब लोगों ने हे भगवान वाचो रे मना क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है माते अपराध तो हुआ है पुत्र मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि ये अपराध अनजाने में हुआ है
क्या तुम जानबूझकर अपने भक्त की भक्ति को अनदेखा कर रहे हो? दुनिया का हर इंसान जिंदगी के पीछे भागता है, हर वो काम करता है जो वो करना नहीं चाहता। हम केवल इतना कह सकते हैं कि वीर की अपनी नियति तक पहुंचने की प्रार्थना को हमने स्वीकार कर लिया है।